खबर से करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गिरीश चौधरी बसपा में शामिल होंगे। भरतपुर से चुनाव लड़ने की वो घोषणा करने वाले हैं। दो बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अब निकलकर सूचना जो सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लिस्ट जारी करने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका, गिरीश चौधरी अब बसपा में शामिल हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, गिरीश चौधरी और उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो है कह सकते हैं कि बड़ा झटका है, क्योंकि गिरीश चौधरी आज बसपा में शामिल होंगे और वो हो सकता है आज या कल भरतपुर विधानसभा से बसपा के टिकट पर जो है चुनाव लड़ने की घोषणा करें। और राजनीतिक लंबा सफर इनका रहा है, ये दो बार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इनकी जो पत्नी है वो यहाँ से उप जिला प्रमुख रही हैं और नगर निगम की मेयर है वो, ये इनकी जो परिवार है वो राजनीति से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है और ये कांग्रेस में लंबे समय से सक्रिय थे। अभी फिलहाल में ये उप महापौर थे नगर निगम के, लेकिन लगातार वो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है इस बार टिकट देगी, लेकिन उनको लगा कि भरतपुर में कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आरएलडी से रहेगा तो इसके कारण उन्हें टिकट नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में अब उन्होंने बसपा में जाने की जो है मन बनाया, उनकी जो है बसपा के जो प्रदेश नेतृत्व के जो पदाधिकारी थे उनसे बातचीत हुई और उसके बाद आज ये कार्यक्रम है कि यहाँ पर बसपा का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें वो आज बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ कई लोग और जो है वो भी बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और वो भरतपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर भरतपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अगर गिरीश चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को जायज तौर पर जो नुकसान है वो होगा और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तो ऐसे में एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को आज लगेगा। कुछ देर बाद ही जो गिरीश चौधरी है नगर निगम के उप महापौर है वो बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उनके साथ कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है दीपक, क्योंकि अभी तो उम्मीदवारों की लिस्ट भी नहीं आई है और अभी से लोग पार्टी छोड़ने लग गए हैं सिर्फ आशंका के बिना पर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और उकलते एक और बड़ी